एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो हमारी कोई ऐसा मॉन्टाज नहीं होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ कस्टम गेम प्ले वीडियो। एंड मैं वॉइस ओवर काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ, सो मैं अपने वॉइस को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ नहीं, सो प्लीज़ बीच में अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर करना। एंड अभी मैं ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने बाद कस्टम वगैरह वापस खेल रहा हूँ, सो वो भी एक बिल्कुल न्यू टीम के साथ। इनके साथ मैंने पहले कुछ कस्टम्स खेले थे, बट देन मेरे को वो सार्केज़म में वापस जाना पड़ा था, कुछ इश्यूज हो गए थे। देन सो अब मैं इस टीम के साथ खेल रहा हूँ एंड हम यहाँ पर अपना ड्रॉप कुछ अच्छे से फाइनल होने के बाद तो हम लास्ट में ले कोबरिया पे जाते हैं। सो गाइज़ वहाँ पे जाने के बाद हम थोड़ी लूट वगैरह करते हैं एंड देन वहाँ पे एक टीम आती है, बट उनकी हमें पोजीशनिंग और कितने बंदे हैं कुछ नहीं मालूम होता, सो हम वहाँ से निकल जाते हैं एंड आगे जाके हमें कोई अच्छा सा कंपाउंड देख के वहाँ होल्ड कर लेते हैं। वहाँ पर हम अपना थोड़ा पैसिव ही गेम प्ले रखते हैं, एंड पैसिव इसलिए रखते हैं वो भी क्योंकि मैं अपनी आइजलिंग थोड़ी पैसिव रखता हूँ, बिकॉज मेरे को आइजलिंग करे काफ़ी टाइम हो गया एक प्रॉपर कस्टम में। एंड दीज वर एक्चुअली टू गुड प्रॉपर कस्टम्स। ये तो मतलब एक ही वीडियो है जिसमें हम ये हमारी लाइक फर्स्ट कस्टम था, आई गेस फर्स्ट या सेकंड जो मैं इस टीम के साथ खेला था। सो हम यहाँ पर आके होल्ड कर लेते हैं, ये सेंटर ही होता है काइंड ऑफ, एंड यहाँ पर रेजेस वगैरह होती हैं, तो मैं इन सब बंदों को पोजीशन दे देता हूँ किसको कहाँ पे स्काउट करना है। तो गाइज यहाँ पर हम उस 16 बंदों को मार देते हैं, उसको M16 के कुछ टैब्स से उसकी गाड़ियाँ ही फोड़ देते हैं। देन यहाँ पर हम उसके टीममेट्स का वेट करते हैं, बट जब वो उसके टीममेट्स आते नहीं हैं तो हम यहाँ से निकलने की फाइनली प्लानिंग करते हैं, जब यहाँ पे यहाँ से जोन हट जाता है एंड हम जोन में सेंटर होल्ड ना करके हम थोड़ा सा एज होल्ड करते हैं। एंड वहाँ पर ऑलरेडी एक टीम लेफ्ट पे जो कंपाउंड है वहाँ पर बैठी हुई होती है। Enemies ahead. यहाँ पर शायद जो हमने 16 बंदा मारा था उसी के 3 टीममेट्स बचे हुए थे, जिनमें से 2 को तो मैं बग्गी से निकाल देता हूँ एंड एक मिराडो जो हमारे बाकी टीममेट्स पर आती है वो उस एक बंदे को आराम से निकाल देते हैं। देन यहाँ पर हम इन क्रेट्स को लूटते हैं, इनमें से स्कोप एंड स्मोक्स नेड वगैरह जो भी मिलते हैं उनको उठाते हैं एंड देन वी प्लान कि हम जो लेफ्ट वाले कंपाउंड पर बंदे हैं उनसे लॉन्ग रेंज फाइट लेंगे। लॉन्ग रेंज फाइट इसलिए क्योंकि क्लोज रेंज में हमें उनकी वापस पोजीशनिंग नहीं पता, नहीं पता कितने बंदे हैं एंड अभी वहाँ पर जाने का फ़ायदा भी नहीं था, बिकॉज हमारे पास एक अच्छा भी जोन एडवांटेज था क्योंकि हम जोन के एज पे थे ऑलरेडी। एंड यहाँ पर आगे पीछे में बंदे हमें दिख नहीं रहे थे, बट यहाँ पर हमारा एक बंदा बोलता है कि पीछे साइड पर गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर कोई बंदा होता नहीं है, आई डोंट नो वहाँ पर वो वैन क्यों होती है, मिनी बस क्यों होती है। एंड यहाँ पे जो राइट वाले जो लेफ्ट पे बंदे होते हैं हम उनसे फाइट वगैरह लेते हैं एंड यहाँ पर बाकी टीम्स भी जोन रोटेशन ले रही होती है। एंड देन फाइनली हमारे नेक्स्ट जोन हमारे फेवर में होता है, बट उसका नेक्स्ट जोन हमारे फेवर में नहीं होता है, वो एक काइंड ऑफ हार्डशिप ले लेता है वहाँ के माउंटेन्स के ऊपर। सो हम यहाँ से निकलने का प्लान करते हैं एंड लेफ्ट पे जो टीम होती है वहाँ से हमें किल्स मिलते नहीं बिकॉज वो भी घर के अंदर थे एंड हम भी उन्हें किल नहीं देते बिकॉज हम भी कवर में थे। सो हम यहाँ से फाइनली निकलने का प्लान करते हैं एंड यहाँ पर एक बहुत गंदा क्लस्टर अभी बनने वाला है जिसमें मेरा फ़ोन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लैग करेगा। मैं अभी भी अपने पोको पे ही खेल रहा हूँ एंड अभी तो चल रहा है, बस थोड़ा लैग करता है बट इट्स वर्किंग गुड। एंड अभी हम यहाँ से निकलते हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ वेरी बिग क्लस्टर जिसको हम बहुत मुश्किल तरीके से हैंडल करते हैं, बट वी हैंडल इट एंड आप देखो हम उसे कैसे सिचुएशन से निपटते हैं। Watch out. क्या बंदे है तेरा? Watch out. अरे लेफ्ट राइट देखो, लेफ्ट राइट
गया मैं देख रहा हूँ ना वहाँ पे भाई राइट साइड का फाइट को बोल भाई कितना लैग हो रहा है भाई अरे यहाँ पे हमें हमारे एक बंदे का लॉस हो जाता है क्योंकि मैं आगे पीछे स्काउट कर रहा होता हूँ कि बंदे किस साइड है मैं ध्यान नहीं देता हूँ एंड वो थोड़ा रिच के आगे चला जाता है उसकी भी गलती नहीं थी उसको मालूम नहीं था बंदे किधर पे हैं एंड उसको वहाँ से एक बंदा नॉक एंड फिनिश पूरा डाल देता है बल्कि हम यहाँ से ट्राई करते हैं स्मोक्स डालने का एंड हम इस रिज से ज़्यादा आगे पीछे जा भी नहीं सकते क्योंकि हर जगह बंदे थे सो आगे से बंदे आते हैं एंड देखो हम उनसे कैसे निपटते हैं enemies ahead abbe tu char kill kab le liye bhai marked a location yahan bhi bande hain watch out yahan bhi bande hain do bande enemies ahead unko maar dete hain abbe main do round tak dekho maar dunga tum bas ha bhai keh raha hu ye to tum log bhi aa jao ye zone ke wajah se just smoke kar rahe hain theek hai jaldi aa jao ek aa jao mere ko maar denge inko भागो भागो तो यहाँ पर हम इन दोनों बंदों को मार देते हैं एंड हमारा जो बंदा नॉक होता है वो भी रिवाइव हो जाता है सो उसके बाद हम यहाँ से थोड़े स्मोक्स नेड्स वगैरह जो भी मिलते हैं सारे यूटिलिटीज़ वगैरह उठा के यहाँ से निकलते हैं एंड मैं यहाँ पर एक गन चेंज करने का डिसीजन लेता हूँ जो एक्चुअल में बहुत हेल्पफुल होता है हेल्पफुल कैसे होता है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा मैं यहाँ पर K9 छोड़ के स्कारल उठा लेता हूँ एंड आपको आगे पता चलेगा वो हेल्पफुल कैसे होता है पूरी वीडियो देखना ताकि आपको पता चले कि ऐसे इंटेंस फाइट में हम कैसी रोटेशन ले सकते हैं एंड अपने यूटिलिटीज़ का कहाँ हम ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं ओके सर फोड़िए कोई मार रहा होता है फिरिश डाल रहा पहले रुक जा नीचे बुरा बुरा ये सही करा सुनो सुनो एक काम करो गाड़ी लेके आगे लगा लो आगे वाले इसमें जा रुक जा लगी हुई है छोटी वाली यहां लगा लो इधर लगा लो हां यहां गाड़ी लगा यहां भी बंदा वॉच आउट शायद हां बंदा है वहां बंदा है शायद ही बंदा ग्रीन स्मोक है मेरे में हेलमेट नहीं है भाई वो भाई मैं अपने डाल रहा हूं तो मेरे को दिखेगा चलो बढ़ो आगे बढ़ो अबे आगे बढ़ गॉड तुम पहले करो मुझे तुम बढ़ो ना मैं कवर दे रहा हूं तुम जाओ मैं कौन फेंक रहा है ये ना जैसे कवर देते थे अगर वो ऊपर आ गया ना तुम्हारी नाक कट जाएगी अरे भाई कौन सा इनॉक हो गया भाई मदद छू नॉक नहीं फिनिश ऐसी तैसी भाई लड़ ले भाई रुक जा हील कर लेना से लड़ूंगा भाई रुक जा है ना दो
वाईफाई डीपी मेरे को पता है तेरे ऊपर है तो गाइज यहाँ पर हम और मेरे जो बंदे होते हैं हम सब अपने यूटिलिटीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं एंड यहाँ पर रैंडम नेट मॉली और स्मोक से मैं थोड़ा लेफ्ट में फ्लैंक कर जाता हूँ जो काम आ जाता है। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।